हुड्डा जिला के मेहरमा थाना अंतर्गत सौरी चकला पंचायत स्थित नवाड़ी गांव में शुक्रवार की देर रात अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़मा किस्कू एवं कान्हू किस्कू का घर जलकर पूरी तरह राख हो गया। बताया जाता है कि हड़मा किस्कू का बकरी, धान निकालने की मशीन, कपड़ा व अनाज जलकर राख हो गया। वहीं कान्हू किस्कू का घर में रखा कपड़ा व अनाज जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी देते हुए हड़मा किस्कू ने मीडिया को बताया कि सभी परिवार घर में सोए हुए थे, इसी बीच आग लग गई। शोरगुल करने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, वहीं ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया जाता, तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही मेहरमा अंचलाधिकारी खगेन महतो ने पीड़ित परिवार को कंबल, चावल, तिरपाल व चूड़ा गुड़ व्यवस्था कराया, साथ ही सरकार द्वारा मिलने वाला क्षतिपूर्ण की राशि भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत ललमटिया मेहरमा मुख्य सड़क में शुक्रवार देर रात अवैध बालू से लदा एक हाईवा एवं छर्री से लदा दो हाईवा को मेहरमा प्रभाग के पुलिस निरीक्षक रमाकांत तिवारी ने पुलिस बल की मदद से तीन वाहन को जब्त किया। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के द्वारा नियमित निर्देश दिया जाता रहा है कि अवैध बालू एवं अवैध छर्री की ढुलाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, लेकिन तमाम निर्देश के बावजूद भी अवैध ढुलाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मालूम हो कि पिरोजपुर भगैया मुख्य सड़क के रास्ते प्रतिदिन सैकड़ों बिना माइनिंग चालान के वाहन परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे कि विभाग को लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। वहीं बंगाल में चुनावी रैली करने से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज दिखी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हेमंत सोरेन अपने झारखंड को संभालो, फिर बंगाल पर ध्यान देना। हम कभी झारखंड में वोट मांगने नहीं गए, इसलिए आप बंगाल में भी मत आइए। हम पूरा आपको मदद करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिहारी भाई लोग जो है किसी को बात मत सुनो। आज मेरे को दुख लगा, मैंने देखा हेमंत सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर आके झारग्राम में हमारा राज्य में पॉलिटिक्स करने आया। उसका ओथ में हमने किया था, कितना सपोर्ट दिया था। तुम लोग खाना नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, 365 दिन क्या हुआ वो नहीं देखेगा, झड़ में लोग मर जाएगा वो भी देखेगा नहीं, एक्सीडेंट में मर जाएगा कुछ नहीं देखेगा, और चुनाव का टाइम खाली वोट दो तो हम क्यों, हम कहाँ आ जाएगा। अगर तुम हेमंत सोरेन झारखंड का वोट मांगोगे तो हमारा बंगाली भी झारखंड में बहुत होता है, तो हम भी जाके हमारा वोट मांगेंगे। क्या क्या तरीका है, कोई तरीका हुआ है? हम राजस्थान में थोड़ा ही जाता है हमारा वोट मांगने के लिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम भी जरूर करेंगे, हम भी कर सकता है। पॉपुलेशन हमारा कम नहीं है, हेमंत सोरेन चलाया उसको पार्टी का उम्मीदवार चाहिए, नहीं होगा, कैसे होगा। खाना देगा हम, पढ़ना देगा हम, सब कुछ हम देगा, धमसा हम देगा, मादल हम देगा, ढोल हम देगा, सब हम देगा। अरे वो आके बोली बोली मंगाएगा, जाओ ना पहले झारखंड को संभालो। मैं तो ये बात नहीं कहती थी, लेकिन मेरे को दुख लगा जब कोई नहीं आने का बात था, मैंने पहले चला गया। ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए झारखंड सरकार के दो मंत्री कल गोड्डा पहुंच रहे हैं। कल 31 जनवरी को पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन होने वाला है। इस रैली में झारखंड सरकार के तीन मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी भाग लेंगे। आपको बता दें, रैली में जुड़ने के लिए मंत्री आलमगीर आलम एवं बादल पत्रलेख रैली कल गोड्डा आ रहे हैं। गोड्डा कारगिल चौक पर सुबह 8:30 मंत्रियों के अभिभाषण के बाद रैली देवघर के लिए प्रस्थान करेगी। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड स्थित SRT कॉलेज धमड़ी परिसर में संताली साहित्य की ओर से शनिवार को आयोजित सोराय पर्व के मौके पर पहुंची सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मीज का आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर मांदर की थाप पर जमकर थिरके। इतना ही नहीं, सोराय के मौके पर भूदाता की पुत्री नैना, SRT कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा, शशांक शेखर सिन्हा, W. सिंह,
आत्मानाथ पांडे, गुलजारी समेत कई गणमान्य अतिथि व शिक्षाविद छात्र छात्राओं के संग सोराय के नृत्य संगीत पर जमकर झूमे।